हम कोई मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री और देश में कानून का राज स्थापित हुआ है। आर्थिक मोर्चे पर हम पूरी दुनिया के सामने नंबर एक पर आने के लिए काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में जीडीपी लोगों की बढ़ी है, हम सब लोगों के डेवलपमेंट और विपक्षी दल खासकर समाजवादी पार्टी के लोग जाति धर्म समुदाय के आधार पर तुष्टिकरण की नीति के तहत काम करना उनका पुराना सगल रहा है। हमारा मानना है कि प्रदेश लोग के लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश को चतुर्मुखी विकास की ओर ले जाना चाहती है, आर्थिक मोर्चे पर नंबर एक पर ले जाना चाहती है। आज हम गेहूँ उत्पादन में पूरे देश में नंबर एक पर हैं, हम दुग्ध उत्पादन में पूरे देश में नंबर एक पर हैं, चीनी उत्पादन में हम देश में नंबर एक पर हैं, स्वास्थ्य के मामले में हम पूरे देश के सामने बड़े चुनौती के रूप में उभरे हैं कि सबसे अच्छी सेवाएं स्वास्थ्य की उत्तर प्रदेश में आज लोगों को मिल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, शिक्षा के मामले में, बेसिक शिक्षा के स्कूल समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जाकर के देखिए, आज हमारे स्कूल को देखिए, हमने नई शिक्षा नीति ला करके युवाओं को सीधे रोजगार से जोड़ने का काम किया। मातृभाषा वो केवल, मैं साफ साफ बता दूं, वो केवल आपसी वैमनस्यता फैला करके एक अखबार में आने के इस प्रकार का सगल वो अच्छी तरह जानते हैं, जिसका मतलब जो व्यवस्था ही एक सामंतवादी नीतियों के तहत हुआ है, जिसकी व्यवस्था ही पूरी तरह से राजशाही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के साथ है, वंचितों के साथ है, पीड़ितों के साथ है, दलितों के साथ है, पिछड़े वर्ग के साथ है, और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसके सबको समाहित करते हुए प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने का कदम। आमूलचूल परिवर्तन के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। विपक्षी दल सिर्फ जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर लोगों के बीच में वैमनस्यता फैलाकर वोट हासिल करने की जुगत में है, लेकिन प्रदेश के लोग जान चुके हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब सत्ता में रहती है, गुंडे, माफिया, मवाली, लुच्चे, लफंगे सत्ता पर काबिज होते हैं, इनको संरक्षण मिलता है, और अपने इस समय भी जब वो नेता विरोधी दल हैं बराबर जेल में जाकर के अपराधियों को ही पुष्पित पल्लवित करने का काम कर रहे हैं।